इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है, और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी, और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। V3 न्यूज इंडिया, खबर, नजरिया और असर के साथ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। आज 5वां दिन है और बजट पर लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया है और उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया लगातार बजट पर चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। आइए कुछ विधायकों से हम बातचीत करते हैं। देख रहा था कि देशभक्ति पर खूब चर्चा हुई, विपक्ष के साथियों ने भी कहा कि भाई अच्छा लगा देशभक्ति पे बात की। विपक्ष के उस साथियों ने कहा कि अच्छा हुआ आप हमारे राह पे आए, बढ़िया बात है हमारे लिए। तो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की तरक्की ही देशभक्ति है हमारी, तो हमारे लिए तो दिल्ली वाले की तरक्की ही देशभक्ति है। झूठी राष्ट्रवाद की जो भाजपा वाले बात करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम उनके राष्ट्रवाद के खेमे में घुस रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वो उनके पोल पट्टी ना खुल जाए कि वो झूठा राष्ट्रवाद फैलाते हो। असलियत में राष्ट्रवाद जो है वो आम आदमी पार्टी करती है। असलियत में राष्ट्रवाद की बात और राष्ट्रवाद को जमीन पर इंप्लीमेंट करना, लोगों के दिलों में इंप्लीमेंट करना, वो आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। इस बात का डर है भाजपा वालों को, इसलिए इस तरह की अनर्गल बात करते हैं। और लगातार जिस तरीके से, जैसे उत्तराखंड में अभी इन्होंने बजट पेश किया, उत्तराखंड में घाटे का बजट पेश किया, और एक तरीके से जिस तरीके से ये सिर्फ मुखौटा चेंज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और तमाम सिर्फ उत्तराखंड में तो कराई कराए, साथ में और तमाम देश के अलग अलग जगहों में जिस तरीके भाजपा की नीति चल रही है बहुत हास्यास्पद है। और लगातार जिस तरीके से ये लोग भाजपा वाले लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इनके असलियत में दिल में मैल है। ये मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करने से अगर ये सोचे कि बहुत बड़ा कोई चेंज हो जाने वाला है, लेकिन असलियत में उनका जी बिल्कुल, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इस बार सरकार बनाने की स्थिति में, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीरो वर्क सीएम घोषित कर दिया था, इसके बाद भाजपा में पूरी तरीके से खलबली मच चुकी थी, पूरी तरीके से इनका पर्दाफाश हो चुका था। भाजपा तो अपने वो देशभक्ति के बारे में कह ही नहीं सकती, क्योंकि देश को जब आज़ादी की आंदोलन हुआ तो ये लोग तो गद्दारी करते रहे, सारे लोग स्वतंत्रता सेनानियों का पकड़वाते रहे, इन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया गांधी जी का। जिसने देश को आज़ादी दिलाई उसको मारने वाले की ये पूजा करते हैं, तो ये देशभक्त नहीं है, इनका फर्जी देशभक्त है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पर लगातार चर्चा हुई और बजट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का विजन प्रस्तुत किया है। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये जो विजन है दिल्ली को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आगे ले जाने की और दिल्ली को और बेहतर से बेहतर बनाने की, वो पूरी हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन चंद्रिका प्रसाद के साथ आशीष कुमार, दिल्ली विधानसभा, नई दिल्ली।